तुम्हारी वीडियो लड़का हो या लड़की दर्द भी बराबर होता है। अरे बहू ये क्या कर रही हो, अभी तो लल्ला खाली 20 दिन का हुआ है और तुम अभी से कपड़ा धोने चल पड़ी। माँ जी पिछली बार भी तो मैं 20 दिन होते ही मैं काम करने लगी थी, तो इस बार भी कर लूँगी। नहीं नहीं बहू, अभी तेरे शरीर कच्चा है, आस पड़ोस में कोई देखेगा तो क्या बोलेगा कि सास इतनी बुरी है कि लल्ला होने पर भी बहू को 1 महीने आराम नहीं कराने दी। लेकिन माँ गुड़िया पैदा होने के बाद भी तो मैं 20 दिन बाद सारा काम करने लगी थी। सास बहू की इस बहस को सुनते ही कजरी की दादी सास ने जोर लगाते हुए कहा, बहुरिया तो क्या पिछली बार का रंग अलाप रही है, पिछली बार कौन सा तूने लल्ला जन्म था जो तेरे लाड चाव करते, बेटी पैदा करने पर भी इतने दिन तुझे सुलाएंगे कर रखे, वह क्या कम था। इस बार लल्ला लाकर तूने हमें सोने की सीढ़ियां चढ़ाया है, तो हमारी भी तो फर्ज बनता है कुछ लाड चाव करने का। ज़्यादा बहस मत कर और अंदर जा, देख लल्ला कब से रो रहा है, जाकर उसे दूध पिला, बेचारे का गला सूख गया होगा। हाँ मेरी गुड़िया अभी लाती हूँ तेरे लिए दूध, कहकर कजरी अपनी बेटी को प्यार से पुचकुराने लगी। तभी दादी सास फिर कड़क कर बोली, तुझे क्या लगता है हम तेरी बेटी को खाना पीना नहीं खिलाते, सारा दिन तेरी सास इसके पीछे पीछे घूमती रहती है, इसे तेरी सास दूध पिला देती गी तो जा लल्ला के पास। कजी भारी कदमों से अंदर जाकर अपने बेटे को दूध पिलाने लगी, लेकिन उसका मन बहुत बेचैनी था। रह रहकर उसे वो दिन याद आ रहे थे जब उसने पहली बार ही बेटी का जन्म दिया था। घर में कोई खुशी नहीं मनाई गई और दादी सास उन्होंने तो पूरे 10 दिन तक उस बच्ची का मुंह भी नहीं देखा था। कजरी को खाना पीना भी साधारण ही दिया जाता था। हाँ कजरी की सास कभी कभी दादी सास के छिप कर दाल में 2 चम्मच घी डाल देती थी, तो कभी सोट के लड्डू खिला देती थी। कजरी के हाथ पैरों में दर्द रहता था, लेकिन मालिश वाली भी नहीं आती थी। प्रसाव के 20 दिन बाद ही दादी सास ने कह दिया, बस बहुत हो गया आराम, अब बहुरिया से कह दो अपना चौका चूल्हा संभाले। काम करते करते जब बीच में कजरी की गुड़िया रोने लगती थी तो कजरी उसे दूध पिलाने के लिए भागती, लेकिन दादी सास ताना देते हुए कहती, बच्चे तो रोते ही हैं, सारा दिन इसे गोद में लेकर बैठी रहेगी तो बाकी का काम कौन करेगा। लेकिन इस बार लल्ला के पैदा होने पर घर में उत्सव का माहौल था। दादी सास ने ही सबसे पहले लल्ला को अपनी गोद में लिया था, देसी घी के लड्डू भी बना दिए गए थे और कजरी और लल्ला की मालिश के लिए भी एक दाई माँ आती थी। लल्ला के रोने की आवाज़ सुनते ही सब कहने लगते, क्या हुआ लल्ला को, भूख लगी है क्या, कहीं तबीयत तो ना बिगड़ गई। कजरी को सब समझ आ रहा था, उसने लल्ला को सुलाया और फिर अपनी गुड़िया के पास आकर उसे गोद में बिठा लिया। कजरी की गोद में गुड़िया को देखते ही दादी सास ने आंखें निकालते हुए कहा, बहुरिया तुझे कहा था ना अभी तेरे शरीर कच्चा है, कजरी आज बोले बिना न रह पाई, माफ़ करियो दादी, जितना कमज़ोर मेरा शरीर लल्ला पैदा करने के पर हुआ है उससे ज़्यादा कच्चा तो गुड़िया पैदा होने करने पर हुआ था। उस वक़्त तो किसी को मेरा दर्द मेरी परेशानी नज़र नहीं आई, ना ही उस वक़्त किसी को मेरी बिटिया का रोना सुनाई पड़ा, ना उसकी किलकारियाँ, आप लोग को बस ये लड़की नज़र आती है,
लेकिन बेचारी इस नन्ही सी जान भूख को क्या पता लड़का लड़की का फर्क। मेरे माँ ने हमेशा मुझे अपने भाई के समान ही समझा था, लेकिन लगता है आपको अपनी माँ से लाडला ना मिला, तभी तो आप अपनी खंदक मेरी नन्ही गुड़िया पर निकालती हैं। दादी, सारे बच्चे एक जैसे पैदा होते हैं, फिर चाहे वो लड़का हो या लड़की, दर्द भी बराबर होता है और खुशी भी। यदि रखियो दादी, वंश बेल बहुए ही बढ़ाती हैं, जब लड़की ना होगी तो बहू कहाँ से आएगी। आज कजरी की दादी सास और सास दोनों कजरी का मुंह देखते रह गई। दादी, मैं अपने दोनों बच्चों को बराबर पालूंगी, एक माँ होकर भी अगर मैं खुद ही अपने बच्चों में फर्क करूंगी तो इस दुनिया समाज को क्या दोष देना। दादी की नज़र नीची हो गई थी और कजरी की सास के चेहरे पर एक मुस्कान उभर आई थी। वो तो आज तक अपने बच्चों के लिए आवाज़ ना उठा सकी, लेकिन कजरी ने आज वो कर दिखाया। दादी ने फिर डांटते हुए कहा, दो अक्षर पढ़ ली तो अब तू मास्टरनी बन गई, मुझे ही पढ़ाएगी क्या? माफ़ करे दादी, इस बुढ़िया को लेकिन अभी लल्ला का ध्यान रखा। अगली सुबह जब कजरी उठी तो हैरान थी। गुड़िया दादी सास के पास खेल रही थी और दादी मुस्कुराते हुए उसके मुंह में मुरमुरे के दाने खिला रही थी। गुड़िया भी दादी की ओढ़नी को अपने चेहरे पर डालकर कभी छिप कर जाती तो फिर ओढ़नी हटाकर हंस पड़ती। दादी ने आज पहली बार अपने पर पोती को ऐसा खिलाते देखा था। उन्होंने गुड़िया को गोद में लेकर उसके माथे पर चूम ली। कजरी दूर खड़ी डबडबई आँखों से ये नज़ारा देख रही थी। जी हाँ दोस्तों, हमारा स्टोरी अच्छी लगी हो तो ढेर सारा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारी नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुँचे। धन्यवाद।